आगे बढ़ेंगे और देखिए राजधानी जयपुर से खबर है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान दफ्तरों पर ताला जड़ दिया है। स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देना, क्लासरूम की व्यवस्था करने, स्टूडेंट के लिए वाटर कूलर, सॉफ्टवेयर और लैब उपलब्ध कराने की ये लोग मांग रख रहे हैं। बता दें कि सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया गया है। यूनिवर्सिटी कार्यालय का कामकाज भी ठप हो गया है। वहीं मांगे पूरी होने तक प्रशासनिक कार्य नहीं करने देने की भी चेतावनी दी गई है। वाइस चांसलर पर छात्रों की समस्या की सुनवाई नहीं करने के आरोप हैं। आगे बढ़ेंगे और अलवर से एक बड़ी खबर है, बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने फीसी की है। सांसद बालकनाथ पर उन्होंने इस दौरान गंभीर आरोप लगाए। अपराधियों को संरक्षण देने का उन्होंने आरोप लगाया है। सांसद आए, जब उनके गुर्गे पकड़े तो इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए आए, लेकिन सांसद ने जिन महिलाओं को गोली लगी उन एक भी महिला से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और इस ढंग से बौखला रहे थे उससे साफ लग रहा था। और अब तो ये स्पष्ट हो गया कि बालकनाथ को डर था कि 120 बी में पुलिस बालकनाथ को मुलजिम बनाएगी और वो सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि जो गुर्गे पकड़े थे वो सारा राज उगल थे। इसलिए पुलिस को उन्होंने पूछताछ नहीं करने दी और दबाव बना दिया, और उस निशांत नाम के व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो पैसे दिए थे वो पैसे बालकनाथ ने भेजे। इसलिए मेरी सरकार से भी मांग है कि बालकनाथ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो दोषी उनको करे। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी पूछा। और देखिए रणथंभौर से एक बड़ी खबर आ रही है, टाइगर रिजर्व में टाइगर T57 की मौत हो गई है। बता दें कि बाघ से भिड़ंत में घायल हो गया था ये टाइगर। वन विभाग नहीं कर पाया बाघ के इलाज की व्यवस्था और ये बड़ी लापरवाही सामने आई। रणथंभौर से बड़ी खबर है, टाइगर रिजर्व में टाइगर T57 की मौत हो गई है। बाघ से भिड़ंत हो गई थी इस घायल की, जिसमें घायल जो बाघ है T57 वो घायल हो गया था। वहीं वन विभाग इस घायल बाघ के इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाया, जिस वजह से जो बाघ T57 है उसकी मौत हो गई। बाघ की निगरानी में भी लापरवाही की बात इस पूरे मामले में सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे और देखिए वाहनों और मकानों में चोरी की वारदात के बारे में आपने काफी सुना होगा, लेकिन टोंक में टायर चोरों के आतंक की खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला टोंक के देवली का है, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। चोरों ने गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गाड़ी के सभी टायर खोल ले गए। चोरों ने गाड़ी को पत्थरों पर खड़ी कर चारों टायर चुरा लिए। इतना ही नहीं, गाड़ी का पिछला शीशा तोड़कर चोरों ने स्टेपनी भी पार कर ली। फिलहाल पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए झुंझुनू में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इधर मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिले के नवलगढ़ में चाइनीज मांझे ने कहर बरपाया है, जब विश्वनाथ सैनी नामक युवक के गले से लिपट गया ये मांझा और पल भर में विश्वनाथ का गला कट गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसके गले में 18 टांके लगाने पड़े। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। हमारे ये ताऊ जी का लड़का है, कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, कोई पेमेंट लेके आ रहा था अपने मामा जी के घर से, तो यहाँ खातियों की डाणी के अंदर वार्ड नंबर 16 में क्या है कि कोई चाइनीज मांझे की कोई क्या पता कोई पतंग जा रही थी या कोई कटा हुआ पतंग कोई समेट रहे थे, वो कैसे डोर उनके गले में फंसी पता नहीं, लेकिन उससे क्या है कि वो डोर ज़्यादा अंदर फंस गई और फंसने के बाद में वहाँ से कोई निजी लोग थे वही उनको वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल ले जाके उनको एडमिट करवाया। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पतंगबाजी के इस दौर में चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। प्रशासनिक टीमें बाजार में पहुंच रही हैं और महज खानापूर्ति कर रही हैं। आज भी नवलगढ़ के एक ढाणी में एक युवक है, वो चाइनीज मांझे से घायल हुआ है और उस युवक के 18 टांके आए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को छुट्टी दे दी गई है। झुंझुनू में चाइनीज मांझे से घायल होने का यह दूसरा मामला है और लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रशासन की टीमों द्वारा बाजार पहुंचने के बाद जो हड़कंप मचता है उससे सुर्खियां तो बटोरी जाती है, मगर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18, राजस्थान, झुंझुनू।
और बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई। भरतपुर में ये नजारे अब आम हो चुके हैं। लोग इन सांडों की लड़ाई का खामियाजा भुगतते हैं। मंगलवार को भी बी नारायण गेट और बिजली घर चौराहे के पास दो सांड जोर आजमाइश करने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान सांडों ने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं लोग सिर पर पैर रखकर भागते हुए नजर आए हैं। लोगों ने शहर की ऐसी हालत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद आवारा सांडों और बंदरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस तरह की घटना के बाद में आज जिस तरह से दिन में आम चौराहे पर और लोगों की आवाजाही हो रही है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, इस दौर में जिस तरह की सांड की लड़ाई हुई है और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, न बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था कर पा रहा है और न इस तरह से सांडों के लड़ने की, झगड़ने की और आमजन को जो क्षति हो रही है उसकी कोई भरपाई कर पा रहा है। कलेक्टर टीना डाबे की पहल पर जैसाण शक्ति यानी कि लेडीज फर्स्ट अभियान के अंतर्गत सोमवार को चार अलग अलग कॉलेज की छात्राओं को कैलीग्राफी के गुण सिखाए गए। इस बीच कलेक्टर टीना डाबे ने भी कैलीग्राफी के हुनर सीखने के लिए क्लास को अटेंड किया। एशिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब हासिल करने वाली गौरी ने दो से अधिक घंटे की वर्कशॉप में अंग्रेजी के अल्फाबेट को लिखने की गई शैलियों की ट्रेनिंग छात्राओं को दी।